हेलो दोस्तों, आई एम गौरव, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटिंग प्लानर। आज मैं फिर आपके बीच में एक नई वीडियो टॉपिक के साथ हूं, और मेरा आज का वीडियो टॉपिक है कि हम अपनी सेल्स फॉलोअप कैसे करें। जनरली होता क्या है कि जब कभी एक सेल्स पर्सन एक सेल्स के लिए फॉलोअप करता है या फिर उसको एक नई लीड मिलती है, तो वो होता क्या है कि वो एक दो सेल्स की कॉलिंग के बाद उस सेल्स कॉल को भूल जाता है। लेकिन जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी सेल्स कॉल्स के जो फॉलोअप्स होते हैं वो कम से कम 5 से 6 जरूर होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसके फॉलोअप्स हमारे चलने चाहिए। एग्जांपल के लिए सपोज़ आपके पास एक लीड आई और आपने उसको कॉल किया कि सर मुझे आपका नंबर जो है फेसबुक से मिला था या फिर गूगल से मिला था, और मैं जो है आपको अपनी ये प्रोडक्ट और सर्विस में बेचना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि आप जो है मुझे एक हफ्ते बाद कॉल कीजिए, एक हफ्ते बाद मेरे साथ आप कॉल कीजिए, मैं भी थोड़ा सा अपने किसी टास्क में बिजी हूँ। तो आप क्या करते हैं कि आप उसको सीधे एक हफ्ते के बाद ही कॉल करते हैं। इन द मीन टाइम आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ अलग से कुछ मॉनिटरी वैल्यू आप उसको फ्री में अगर प्रोवाइड करा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स, जिससे कि जो उसकी उसके बिजनेस प्रोसेस में एक हेल्प करे उसको एक रिदम मेंटेन करने के लिए। एक्चुअली कोई भी क्लाइंट है या फिर कोई भी एक पर्सन है लाइफ में भी, तो वो आपके साथ कनेक्ट जब हो सकता है जब आप उसके लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर कुछ वैल्यू आप उसके लाइफ में ऐड कर रहे हैं। बिना किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करे आपसे वो क्यों बात करेगा? तो जब कभी भी आप सेल्स के फॉलोअप की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर वो कॉल करने के लिए कहते हैं तो इन द मीन टाइम आप उसको कुछ इन्फोग्राफिक्स एक दो दो दिन के गैप पे आप उसको भेजते रहिए। ये आपको हेल्प करेंगे एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। लेकिन उसमें भी एक वो इन्फोग्राफिक भेजिए जो कि उसके बिजनेस प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्मूथ करने में उसकी हेल्प कर रहा है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सेल्स प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये चीज़ें माइंड में हिट करती हैं कहीं ना कहीं जो सेल्स पर्सन है वो मेरी प्रॉब्लम को लेके बहुत सीरियस है और कहीं ना कहीं वो मेरे साथ जो है अच्छा रिलेशन वो बिल्ड करना चाहता है। तो जब कभी भी आप अपने सेल्स फॉलोअप को कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको इन्फोग्राफिक्स वीडियोस जो उसके बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं आप उनको भेजते रहिए, और जब कभी उसने कॉल के लिए कहा है तो एक कुछ एडिड वैल्यू के साथ आप उसके साथ जुड़े कि आपकी जो सर्विस और या प्रोडक्ट है आप उसके जो बिजनेस प्रोसेस में वो कहाँ उसको हेल्प करेगी। अगर वो चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसके लिए वो बेकार है। अब होता क्या जनरली कि लोग एक दो फॉलोअप्स के बाद जो अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आप वो कहीं ना कहीं अपने किसी बिजनेस प्रोसेस में फंसा हुआ है या फिर वो कहीं ना कहीं अपने मीटिंग्स में इन्वॉल्व है या फिर वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, इस वजह से वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है या फिर उसके पास कुछ मनी क्रंच है। तो कोशिश कीजिए आप उसके साथ उसके फॉलोअप्स में रहिए, उसको इन्फोग्राफिक्स भेजते रहिए, मिनिमम 5 से 7 फॉलोअप्स के साथ चलिए। अगर उसके साथ अगर उसने मना भी करते हैं सर्विसेज के लिए तो भी उसको यूजफुल इन्फोग्राफिक्स जरूर भेजते रहिए। मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 2-3 साल तक मैंने अपने क्लाइंट रिलेशन मेंटेन करे और वही मेरे लिए वो बाद में कन्वर्ट हुए मेरे पर्सनल बिजनेस ग्रोथ में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।